मैं क्या ना कैसे प्राप्त करोगे, वो अभिक्रियाएं चल रही थी तो उसमें हम बहुत ही शानदार अभिक्रिया लेकर आए हैं। आज देखिएगा क्या अभिक्रिया है। एथिल अल्कोहल से मैथिल एमीन कैसे प्राप्त करोगे, एथिल अल्कोहल से मैथिल एमीन कैसे प्राप्त करोगे। ओके, एथिल अल्कोहल आप सभी लोग जानते हो, एथिल अल्कोहल क्या होता है, CH3 सॉरी एथिल अल्कोहल होता है आपका C2H5OH। ये क्या है आपका भाई, एथिल एल्कोहल, ठीक है, ALC का मतलब एल्कोहल, ठीक है। इसकी क्रिया हम इसको क्या करते हैं, CU की उपस्थिति में हम इसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, CH3CHO बन जाता है। क्या बन गया, एसीटैल्डिहाइड। ये क्या बन गया आपका, एसीटैल्डिहाइड बन गया, एसीटैल्डिहाइड, ठीक है, आपका एसीटैल्डिहाइड बन गया। ये C2H5OH को हमने क्या करा, CU की उपस्थिति में 300 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दो तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका, एसीटैल्डिहाइड। देखिएगा इसका मतलब C2H5OH है, यहां पे देखिएगा CH3 आ गया, यानी यहां पे 5H थे जिसमें से 3H यहां पर आ गए, यहां पर 2C थे, 1C यहां पर आ गया, तो 1C बचा और तीन मतलब 2H बचे और 1C और HO यहां पर आ गया, तो यानी 2H बचे, 2H यहां से निकल गए। क्या निकल गए, 2H निकल गए, देख लो, नहीं तो C2H5 है तो यहां से C और यहां से H3 ये आ गया, तो C और 2H बचे, 1C और H और O यहां पर आ गया, CHO बचे यहां पर C2H5OH और CH3CHO में केवल कितने का अंतर आ रहा है, 2H का अंतर आ रहा, वो ये रहे। ओके, इसका हमने क्या करा दिया, ऑक्सीकरण करा दिया। इसका हम जब ऑक्सीकरण करा देंगे, हम CH3COOH बन गया। ये क्या है आपका, एसिटिक अम्ल, क्या बन गया, एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड बन गया। ओके, एसिटिक अम्ल बन गया। ये क्रिया तो पुरानी वाली थी, जब एथिल अल्कोहल से हम मैथिल अल्कोहल प्राप्त कर रहे थे तो यहां तक तो गए ही गए थे, ठीक है, जो दूसरी वाली रिएक्शन थी। चलिएगा यहां से आगे, यानी कि CH3COOH से आगे की बात कर रहे हैं, आप चाहो तो इस तरह से आगे इस तरह से लेके आ सकते हो रिएक्शन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब समझ गए, इसका मतलब यही है कि यहां से आगे बढ़ रही है रिएक्शन, ठीक है। अब यहां के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ के बाद में आप देखिएगा, इसका आपने क्या करा दिया, यहाँ से हम NH3 से क्रिया करा दे रहे हैं, इसकी NH3 से, जैसे NH3 से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ये आपका CH3COOH4। चलिएगा थोड़ा ये उल्टी सी दिखाई दे रही है अब क्रिया, तो यहाँ से आपका मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ CH3COOH, और इसकी क्रिया में NH3 से करा दे रहा हूँ, तो CH3COOH, ये H और ये मिलकर क्या बना जाएगा, अमोनियम एथोनेट। अमोनियम एथोनेट बन गया, ठीक है। चलिएगा अब यहां से आगे की ओर बढ़ेगी ये रिएक्शन। हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था मैथिल एमीन, और मैथिल एमीन के लिए यहाँ पर देखिएगा बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन। मैथिल एमीन का मतलब होता है CH3NH2,
ये है आपका मेथिलएमीन, ठीक है। चलिएगा, अब यहां से हम क्या करने जा रहे हैं, यहां से हम CH3CO NH2 निकाल दीजिए। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम देखिएगा, यहां से हम डायरेक्टली इसको नहीं बनाएंगे, पहले एक पद और इसको बढ़ा दीजिए, यहां पे हम CH3CONH2 बना दीजिए। CONH2 का मतलब इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या बन जाता है भाई, इसका नाम बन जाएगा आपका एसीटामाइड। ये हो गया एसीटामाइड। अब एसीटामाइड यानी कि CH3CONH2 की क्रिया हम Br2 और किससे KOH, एक आपका कास्टिक क्षार ले लीजिए, NaOH ले लीजिए, KOH ले लीजिए, उसके साथ में हम कराते हैं, तब हमारा क्या बन जाता है, तब हमारा मैथिल एमीन बनता है। ये क्या बन जाएगा आपका, मैथिल एमीन बन गया, ठीक है, मैथिलएमीन बन गया। अब इस रिएक्शन को संतुलित करेंगे, जरा देखिएगा, हमने क्या आपको बताई थी कि देख CH3 आ गया और NH2 आ गया, ओके, यहाँ से ये CO है और यहाँ से आपका ये Br2 है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिएगा होता क्या है कि आपका देखिए CO आ गया तो यहाँ पे K2CO3 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ये के साथ में, देखिए एक तो ये Br2 है तो आपका निश्चित रूप से KBr निकलेगा, KBr निकल गया, दो Br2 हैं तो दो KBr ही निकलेगा, दो KBr निकल गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं संतुलित करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, दो KBr निकल गया इधर, ठीक है, दो KBr निकल गया, और यहाँ पर K और C और K दिखाई देता है और O दिखाई दे जाएगा, तो हमेशा K2CO3 निकलना ही निकलना है, तो K2CO3। अब देखिएगा, दो K और दो K चार K हो गए, तो यहाँ पर चार की मल्टीप्लाई कर दी हमने, चार K कर दिए, बराबर बराबर चार K हो गए, तो इधर अब देखिएगा O3 और यहाँ पे कितने हैं, चार, और मतलब ये ऊपर वाले इधर की साइड में काउंट किए जाते हैं और ये वाली चीज इधर काउंट की जाती है। तो समझो, जरा समझो इसको, ऐसा समझो एक पल के लिए, ऐसा समझो कि ये रिएक्शन इस तरह से है कि यहाँ पर आपका 2KBr निकल गया और प्लस K2CO3 निकल गया। अब बचा क्या, देखिएगा यहाँ पर एक O और चार की मल्टीप्लाई चार O, चार और एक पाँच O हैं, और इधर कितने हैं, तीन हैं, तो तीन हैं, तो आपको क्या चाहिए, इधर दो H2O और जोड़ दीजिए, दो H2O जोड़ देंगे तो हो जाएगी लेव बराबर। अब देखिएगा O बराबर हो गए, K देखो K कितने, K चार हैं इधर, दो और दो चार हो गए, C कितना है, C देखिए एक और एक दो, दो C हैं यहाँ पर, एक और एक येरा दो हैं, ठीक है। और क्या बचा, N कितना, एक है, H कितने हैं, तीन और दो पाँच, ना यहाँ पर पहले इधर की साइड में गिनो, तीन और दो पाँच, पाँच चार नौ हैं, इधर कितने, तीन और दो पाँच, पाँच और पाँच और चार नौ, बराबर होगी नौ की संतुलित। तो हम ये वाली चीज़ों को यहाँ पे लिख देते हैं, 2KBr - 2KBr - K2CO3 और -2H2O। ये आपका एथिलएमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है, एथिलएमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है कि कोई भी एक एसीटामाइड, ठीक है, कोई भी आपका एक एसीटामाइड में ब्रोमीन तथा KOH की क्रिया कराकर हम मेथिल एमीन प्राप्त कर लेते हैं, कोई भी एमीन बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका, ये तो प्रयोगशाला विधि में भी आपका काम आएगी, ठीक है। एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, प्रयोगशाला विधि को देखोगे, प्रयोगशाला विधि आप पढ़ोगे तो ये वहाँ पर काम भी आएगी, क्योंकि वो ये सेम ही है, एमीनों की यदि प्रयोगशाला विधि पढ़ोगे तो यही चीज़ है और कुछ नहीं है। तो देखिए बनगी न बनगी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, यहीं से आपका कई सारी चीज़ें, एसीटामाइड से मेथिलएमीन बनाना सीख गए, एसीटल्डिहाइड से मेथिलएमीन बनाना सीख गए, आपका एथिल एल्कोहल से एसीटल्डिहाइड बनाना सीख गए, एथिलएमीन से यानी कि एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बन गया, एसिटिक अम्ल से मेथिलएमीन बन गया, एसिटिक अम्ल से अमोनियम एथोनेट बन गया, एसिटिक अम्ल से एसीटामाइड बन गया। तो ये चीज़ों को याद करते रहो कि हम एक रिएक्शन में कितनी रिएक्शन कर सकते हैं। साथ में एमीन बनाने की,
एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी कंप्लीट हो गई, मेथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी आप सीख गए यहीं पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कुछ, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि Br2 आ जाए, Cl2 आ जाए। देखिए आप हमेशा याद रखिए Cl और Na मिलकर हमेशा NaCl बनाएगा, ठीक है। OH और OH और H मिलकर हमेशा H2O में बनाएगा, ठीक है। Na और OH मिलकर हमेशा NaOH बनाएगा, और जहाँ पर K दिखाई दे जाए, Na दिखाई दे जाए और C दिखाई दे जाए और O, यानी कि Na दिखाई दे, C दिखाई दे और O दिखाई दे, तो क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, ठीक है। ऐसे ही यदि यहाँ पे Na की जगह पर K दिखाई दे जाए, KCO दिखाई दे जाए आपको, तो K2CO3 बनना ही बनना है। तो ये चीज़ें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, उन्हीं से रिएक्शन बनती है, क्लियर है। चलिएगा तो बाकी वीडियो में यहीं पर, क्योंकि एक एक रिएक्शन में इसलिए कराना हूँ, अब मैं ज़्यादा रिएक्शन कराऊंगा अभी, पता है क्या, शुरुआत पहले धीरे धीरे करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे दौड़ना स्टार्ट कर रहे हो धीरे धीरे, अगर कहीं पैरों में दर्द ना हो जाए, एक साथ एक चक्कर मार दोगे तेज़ी से, फिर लगातार स्पीड को बढ़ाते रहो, ठीक है। अब थोड़ा सा देखा ना, छोटा बच्चा होता है उसके पहले कलम पकड़ना सिखाते हैं, फिर उस पर ऐसे कि छोटा इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से कि वो इन पर पेंसिल चलाए, फिर वो बच्चा चलाता है पेंसिल इस तरह से, फिर धीरे धीरे करके फिर उस पर बिना देखे देख देख के लिखेगा, फिर वो बिना देखे लिखता है, फिर लगातार लिखता रहता है। तो वही चीज़ आपको सिखा रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।